देखिए, आप लोगों से हमेशा बोला है मैंने कि जो भी आपके इंडेक्स आते हैं, यानी कि जो रैंकिंग होती है, इनके बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ लिया करिएगा। क्योंकि आप 6 से 7 साल पुराने पेपर उठाइए किसी भी एग्जाम के, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग आज तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बहुत विस्तार से बता देते हैं। अगर आपको 200 शब्द 300 शब्द लिखने होंगे तो आप उन्हें भी लिख देंगे। तो मेंस के लिए भी आप लोग इससे कई तथ्य ले सकते हैं, इतने विस्तार से बता देता हूँ लोग। लेकिन जो भी अदर इंडेक्स होते हैं उनके बारे में भी आप लोग विस्तार से पढ़ लिया करेगा, ठीक है? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं और बनते रहे हैं। एक तरह से आप कहिए कि ये क्लियर होता है महत्वपूर्ण संगठन और इंडेक्स, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कभी ऐसा नहीं गया कि ना पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ लेना चाहिए विस्तार से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में जान लेते हैं जो अभी आ चुका है। इसमें आप देखिए, एक तरह से आपको ओवरव्यू दे देता हूं। 2015 में 81 पर नंबर पर थे हम लोग, 2016 में 66वें नंबर पर, 2017 में हम लोग आपके 60वें नंबर पर, और 2018 में 57, 2019 में 52 नंबर पर, और 2020 जहां आज हम लोग खड़े हुए हैं 48वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो आपसे 2019 का भी पूछ सकता है। और याद रखिए, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने यूपीपीसीएस में देखा होगा 2019 के, उसमें आपने देखा है कि कई पुराने भी पूछ लेता है, तो आप 1 से 2 साल के पुराने भी याद रख लिया करेगा, ठीक है? उनकी कि आपकी इंडेक्स क्या रही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानाइए, अपने पड़ोसियों की जो लास्ट ईयर हुआ है उसके बारे में याद रखा करिए, भारत के बारे में 1-2 साल की, क्योंकि कुछ भी बन सकता है एक तरह से। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर 50 देशों के समूह में शामिल हो चुका है, यानी कि 48वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। टॉप 50 जो हैं उनमें हम लोग शामिल हो चुके हैं। मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है भारत। भारत आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है, ठीक है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। आप भी जानते हैं कि जिसकी आय होगी, अब आपकी ही देख लीजिए, आपकी आय बेहतर है तो मुझे लगता है कि बेहतर आपकी जिंदगी रहेगी, परिवार की स्थिति भी बेहतर रहेगी, तो एक तरह से आप इसे भी कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड, एक बार मैं देख लेते हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ये है हमारा प्यारा भारत एशिया में, ठीक है? आप जाएंगे तो देखिए, यहां जाएंगे जैसे स्वीडन, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहां पहुंच जाएंगे, ये है यूनाइटेड, ठीक है? यूरोप के देश हैं आप देखते रहते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अधिकतर आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अधिकतर देश आपको देखेंगे, हर कोई भी इंडेक्स आए इन्हीं देशों का दबदबा एक तरह से बना रहता है, ठीक है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। एक कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 13वें नंबर की। किसने जारी किया है ये भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट अभी देखा था आपने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो याद रखिए ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपकी विश्व बौद्ध संपदा संगठन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर जारी करता है, ये तीनों, ठीक है? तो ये भी आपसे बन सकता है कि कौन से नंबर की है? 13वें नंबर की, ठीक है? अब यहाँ आप देख लीजिए, टॉप 5 में आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगी, स्कोर है इसका 66.08, स्वीडन सेकेंड नंबर पर, इसका 62.47 स्कोर है, संयुक्त राज्य अमेरिका 60.56
यस का स्कोर है यूनाइटेड किंगडम, इसका देखेंगे आप लोग 59.78, पांचवें नंबर पर नीदरलैंड 58.76। तो स्विट्जरलैंड आप लोग पहले नंबर का याद रखिए, ठीक है। उसके बाद भारत की स्थिति आपको याद रखनी, भारत 48वें नंबर पर, कितना है स्कोर 35.9, 35.59, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ और जानकारी से पहले एक बार आप लोग इस रिपोर्ट को देख लीजिए। देखिए चाइना किस नंबर पर, हमारा पड़ोसी है क्यों चाइना, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेगा, 14वें नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया 48, इंडिया 48, इसके बारे में अच्छे से याद रखना। श्रीलंका की बात करें तो 101 नंबर पर है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी 107वें नंबर पर है, बांग्लादेश 116वें नंबर पर है आपका, और उसके बाद आपको याद रखना है म्यांमार आपका 129वें नंबर पर, सबसे नीचे है आपका यमन 131वें नंबर पर यमन। तो इस बात को आप लोग याद रखिए कि सबसे नीचे यमन और सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड, भारत 48वें नंबर पर, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर की 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें 131 देशों ने भाग लिया था, उसमें से हमारा नंबर आया है 48वां, ठीक है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा बुनियादी ढांचे और व्यवसायिक परिष्कार शामिल रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है तो 80 तरह के इसमें संकेत जोड़े जाते हैं तब ये तैयार होती है। जीआईए रैंक, जीआईआई यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंसिड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो और जीआईआई के नॉलेज भागीदार द्वारा तैयार किया जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके जरिए आप देखेंगे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस सूचकांक की जारी करने के उद्देश्य की अगर बात करें तो नवाचार के बहुआयामी पहलुओं पर बल देना, दीर्घकालिक उत्पादन में वृद्धि करने वाले उपकरण प्रदान करना और बेहतर उत्पादकता और नीतियों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार करना, इस एक तरह से इस इंडेक्स का यही उद्देश्य होता है। अब एक शब्द आया हुआ है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता रहता है। वैसे तो आपके जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से बात कर ली है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यार इसके बारे में। और याद रखिए वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे WHO हो, WTO हो, जो भी आपके संगठन है, तो महत्वपूर्ण संगठन है, कोई नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाकर देख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं और उन वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं उनके बारे में भी याद रखिए। विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन आपका 14 जुलाई 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की गई थी। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतरराष्ट्रीय संधियां आती हैं। विपो का मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वनडे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, मुख्यालय पूछता है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आप लोग मनाते हैं। अभी करंट की बात करें तो 191 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा कुक द्वीप समूह, हॉली सी और न्यूए ये शामिल हैं इसमें। इस तरह से 191 टोटल है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है किसी पर। बाध्यकारी का मतलब होता है कि आपकी, चलिए आप पिताजी के घर में रह रहे हैं, आप छोटे हैं, तो देखिए उन्होंने जो कह दिया कि ये चलना है तो चलना है, यानी एक तरह से उनके फैसला बाध्यकारी है, आप उनके फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, समझ रहे हैं। एक तरह से वह होता है, अगर कोई संगठन बाध्यकारी है कोई संधि तो उसे मानना होगा। इसमें कहने का मतलब यही है कि इसमें आप अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, ठीक है, इसके सदस्य बन सकते हैं। फिलिस्तीन को इसके इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। लगभग आपके 250 एनजीओ और अंतर सरकारी संगठनों संगठन इसकी बैठक में बतौर आधिकारिक पर्यवेक्षक
शामिल होते हैं। एक ये भी बन सकता है कि भारत वर्ष 1975 में बेप्पो का सदस्य बना। याद रखिए भारत इसमें कब शामिल हुआ, बेप्पो में। यानी कि कहने का मतलब है आपका बौद्धिक जो संगठन है इसमें कब शामिल हुआ भारत, तो आपको याद रखना चाहिए मुझे लगता है 1975, 1975। ठीक है, याद रखिए ये दोनों पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो आप लोग इंडेक्स वहीं से देखते रहिएगा, और इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ते रहिए बैठ के। ठीक है।